नमस्कार आप सभी को। अब से कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम सरकारी नौकरियों में 14% आरक्षण देंगे। अब पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि लगातार आरक्षण व्यवस्था को लेकर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या आपको पता होना चाहिए कि ये आखिर प्रॉब्लम क्यों आई। ना केवल इसमें बल्कि आप देख रहे होंगे लगभग 3-3 भर्तियां जो है, जैसे एमपी जो शिक्षक भर्ती हुई थी वर्ग 1 और 2 की, उसको भी पेंडिंग रखा था। ऐसे में एक और सवाल उठता है, क्या एमपी पुलिस पर इसका असर पड़ेगा? तो सर निश्चित रूप से पड़ेगा, आंशिक ही पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर। तो पहले हम ये समझते हैं कि आखिर आरक्षण व्यवस्था है क्या। भारत में जो मध्य प्रदेश में आरक्षण व्यवस्था थी साल 2019 के पहले था, ओबीसी को 14% आरक्षण था, शेड्यूल कास्ट को 17% आरक्षण था और एसटी को 21% आरक्षण था। लेकिन 2019 में EWS, देखो सबसे पहली बात, जो आरक्षण व्यवस्था है वो देश में लगभग 50% की गई है। सुप्रीम कोर्ट हो या जो भी संविधानिक पद है, उन्होंने ये कहा था कि आरक्षण कितने परसेंट रहेगा, 50%। लेकिन EWS को मिला 10%। EWS को कितना परसेंट मिल गया? 10%। इस प्रकार जो आरक्षण है लगभग 62% पहुंच गया था। फिर कमलनाथ सरकार ने, कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 2019 में जो ओबीसी का 14% आरक्षण था, परसेंट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 27%। 13% और अतिरिक्त बढ़ गया, जिस कारण से जो परसेंटेज है वो कितने प्रतिशत हो गया बढ़कर? 75%। कितने प्रतिशत हो गया? 75%। अब इसी पर है सुप्रीम कोर्ट अपनी भाषा में अड़ा है, वो कह रहा है कि भाई हम 50% आरक्षण ही दे पाएंगे, अधिकतम 50% के आसपास आप आरक्षण ले लो, लेकिन आप इस तरह से पूरे 75% आरक्षण मत करो। क्लियर है? तो यहां पर अब यही लड़ाई चल रही है। अब दिक्कत यह है कि 27% आरक्षण जो कमलनाथ सरकार ने किया है उसे कोई सरकार 14% नहीं करेगी, और इसको लीड कर रहे हैं सागर शहर के जो नेता है वो है भूपेंद्र सिंह, इसको लीड कर रहे हैं, है ना। वो ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, हम चूंकि उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है, असंवैधानिक था तो वो था, लेकिन अब हम इसको घटाएंगे नहीं, क्योंकि कोई भी सरकार यदि इस पर घटाएगी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसी है। अब ओबीसीओं का भी तर्क ये है कि चूंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा तो आरक्षण भी ज्यादा, उनका मत ये है कि हमारा आरक्षण ज्यादा है, और पैच यहाँ फंसा है कि आखिर 75% कैसे हो जाएगा, तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जबकि 60% या 50% के आसपास ही आप किसी भी सरकार या किसी भी भर्ती नौकरी में आप क्या दे सकते हैं? आरक्षण। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी नौकरियों में अब 14% ही आरक्षण होगा, तो अब आपका जो आरक्षण व्यवस्था होगी वो 14% ओबीसी एससी, 17% एसटी, 21% ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन जो कहलाता है वो रहेगा आपका 10%। इस प्रकार से टोटल जो परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा? 62%। कितने प्रतिशत हो जाएगा? 62%। क्लियर है? तो इससे आपके जॉब पर यही फर्क हो सकता है कि आपका रिक्रूटमेंट हो जाए और ओबीसी की कुछ पोस्ट होल्ड रख दी जाए, जैसे कि आपकी टीचर में रखी गई। क्लियर है? आरक्षण व्यवस्था क्लियर हो गई, बैच कहाँ फंस गया था ये समझ में आ गया, लड़ाई कहाँ से चालू हुई थी आ गया समझ में? चल, कोटि कोटि।